Hello students, good morning. Yesterday lectures we learn the exercise, we learn higher order derivative, that is one point exercise 1.5. तो student 1.5 के हमारे दो example हुए थे. अभी आज का आज हम example third complete कर लेते हैं. Fourth exam तो हमको पढ़ना नहीं है, nth order derivative reduced syllabus में है. तो आज के इस आज का जो lecture है वो derivative exercise का last lecture है, ठीक है. उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, देन शो दैट xy d स्क्वायर / dx स्क्वायर + a इक्वल टू 0. ये तो हमको पता है स्टूडेंट, ये एग्जांपल ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.4 पैरामेट्रिक फंक्शन का है, ये हमको सॉल्व करना है. उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ये मैंने होमवर्क दिया था, देख लो क्या दिया है स्टूडेंट. गिवन हमको गिवन दिया है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 हमको गिवन दिया है स्टूडेंट. पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो. तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहां पे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू टी. यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स एंड वाई इज द डिफरेंशियल फंक्शन है एंड टी पैरामीटर है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू क्या आएंगी, डेरिवेटिव ऑफ ए टी स्क्वायर. तो इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट 280, इसका डी एक्स बाय डी टी का, ठीक है. उसके बाद देखो dy by dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 280, यह आएगा स्टूडेंट्स dy by dt इक्वल टू 2a. हो गया इक्वेशन. तो नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा स्टूडेंट यहां पे, यह आएगा dy by dx इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, dy by dt अपॉन डी एक्स बाय डी टी. तो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है 2a, और डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू 2a t, 2 कैंसल, a भी कैंसल, तो यहां पे आएगा 1 बाय टी. तो ये वैल्यू किसकी होगी स्टूडेंट्स, डी वाई बाय डी एक्स की. तो यहां पे लिखो देयरफॉर डी वाई बाय डी टी इक्वल टू 1 बाय टी. Now, again differentiate y with respect to x, क्योंकि मुझे क्या बोला है यहां पे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बोला है. पहले मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा. तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय टी. तो यहां पे स्टूडेंट मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, डी बाय डी टी 1 बाय टी को मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ये 1 बाय टी को लिख रहा हूं मैं टी रेस टू पावर -1 इंटू डी टी बाय डी एक्स. यहां पे मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूं. तो टी रेस टू पावर -1 जो है इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग एक्सन फॉर्मूला क्या आएगा, -1 टी रेस टू पावर -2 इंटू डी टी बाय डी एक्स. इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं 1 अपॉन, क्योंकि डी टी बाय डी एक्स नहीं है मेरे पास, लेकिन डी एक्स बाय डी टी है. तो मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में डी एक्स बाय डी टी लिख सकता हूं. तो यह आएगा -1 टी रेस्ट पावर -2. तो इसको ऐसा लिख रहा हूं मैं -1 अपॉन टी स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यह है -280. तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, साइड में लिख रहा हूं, -1 अपॉन 2a t³. ये होगी स्टूडेंट वैल्यू, और ये डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू. अभी देखो स्टूडेंट्स ये मुझे प्रूव करना है, तो मैं इसको ही सॉल्व कर रहा हूं, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 अपॉन. मुझे यहां पे क्या करना है, x और y इंक्लूड करना है, x और y का मल्टीप्लिकेशन. तो ये टर्म x और y यहां पे स्टूडेंट्स, तो क्या करना है मुझे, ये टर्म और ये टर्म लानी है. तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या,
देखो x की टर्म क्या है 280 और y की टर्म क्या है, सॉरी x की टर्म क्या है 80 स्क्वायर है, 80 स्क्वायर और y की टर्म क्या है स्टूडेंट्स 280। देखो ये होता है क्या, 2a आ गया, t स्क्वायर t क्यूब, a की वैल्यू यहां पे एक ही a है लेकिन a इंटू a यहां पे a स्क्वायर हो रहा है, बराबर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, अभी ए कैंसिल हो जाएगा 2a t क्यूब मिल जाएगा आपको, तो -1/80 ये 80 स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और 280 किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और ये ए। देखो स्टूडेंट अभी d² y / dx² ये एक्स वाई इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे xy into ये d² y / dx² और ये माइनस ए है लेफ्ट हैंड साइड में प्लस ए विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स जो हमको प्रूफ बोला था, ठीक है, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। हेलो स्टूडेंट्स, देखो उसके बाद सेकंड एग्जांपल, इफ y इक्वल टू em tan इनवर्स x शो दैट 1 + x² d² y / dx² + 2x - m dy / dx = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें ये एग्जांपल और ये एग्जांपल सिमिलर है, यहां पे क्या होता है कि ये जो x इक्वल टू cos इनवर्स की टर्म है ये टर्म आपको यहां पे यूज करनी है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपको बता रहा हूं थर्ड वाला, सिमिलर एग्जांपल है बस ये यूज यहां पे करना है। देखो x इक्वल टू cos t दिया है तो ये t की वैल्यू में यहां पे निकाल लो, t इक्वल टू क्या आएगा cos इनवर्स x आएगा, तो ये वैल्यू आप, ये जो t की वैल्यू है स्टूडेंट्स ये आप y में पुट कर दो, ठीक है। देन y इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे e टू द पावर m cos इनवर्स x। देखो स्टूडेंट ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है ना, बस यहां पे tan इनवर्स x है और यहां पे क्या है cos इनवर्स x है, बराबर है। तो ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं आप उसके लिए सॉल्व कर लेना, y इक्वल टू m e टू द पावर m cos x है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे dy / dx = इसका डेरिवेटिव e टू द पावर m cos इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m cos इनवर्स x, तो e टू द पावर m cos इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ दिस आएगा स्टूडेंट्स m इंटू -1/√(1 − x²), तो ये हो गया dy/dx, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -m/√(1 − x²) e टू द पावर m cos x की वैल्यू क्या है, m cos इनवर्स x की वैल्यू ये है ना, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट मैं, ये नहीं सॉरी ये इसकी वैल्यू y है तो मैं यहां पे y लिखूंगा। अभी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो कि इस टाइप के जितने भी एग्जांपल है सभी एग्जांपल में ये जो डिनोमिनेटर में √(1 − x²) है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड आप लेके जाओ तो ये आएगा √(1 − x² इंटू dy/dx = क्या हो जाए यहां पे -my - my। अभी क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 1 − x² dy/dx = −−+ हो जाएगा m² y². अभी यहां पे देखो स्टूडेंट्स, ठीक है m स्क्वायर y की टर्म आ गई ना, अभी देखो इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अभी इसके पहले क्या करता था मैं कि dy/dx निकालता था, उसके बाद मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता था, बराबर है। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर पूर्व दैट का क्वेश्चन है तो आपको प्रूफ क्या करना है इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा,
तो मैंने ये टर्म लाई है वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो एक स्टेप लिख ही रहा हूं मैं, डी वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर किया है, यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वेयर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू यहां पे एम स्क्वेयर कॉन्स्टेंट नंबर और इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर आएगा स्टूडेंट वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग एक्सएन फॉर्मूला आएगा टू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये आजरी जाएगा डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव जीरो माइनस टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्वेयर, यहां पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। हो गया, अभी देखो स्टूडेंट यहां पे ये आएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर टू डी वाई बाय डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस माइनस माइनस टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्वेयर टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। अभी यहां पे देखो स्टूडेंट यहां पे भी 2 डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यहां पे भी 2 डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और यहां पे भी 2 डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो मैं डीवाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड 2 डीवाई बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं ये साइड ये हटा रहा हूं ये डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड में, तो मुझे जो प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। देखो यहां पे ये हट गया है यहां से, तो यहां पे आएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू डी वाई बाय डी एक्स हट गया, यहां पे आएगा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस, चलो इक्वल टू के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, टू डी वाई बाय डी एक्स चला गया, यहां पे आएगा एम स्क्वेयर वाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ये इधर लेके आओ, तो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस एम स्क्वेयर वाई विच इज इक्वल टू जीरो। तो हमको जो प्रूफ करने के बोला था स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया है, यहां पे लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था वो प्रूफ हो गया। तो ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो, और ये जो एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दिया है ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है, इसको नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट्स फोर्थ वाला एग्जाम्पल हमारा चल रहा था, ठीक है, इफ वाई इक्वल टू एक्स एक्स प्लस टेन एक्स सो दैट कॉस इनवर्स एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू वाई टू एक्स। स्टूडेंट्स सभी एग्जाम्पल ये एक ही टाइप के हैं, तो ये भी एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इफ y इक्वल टू e टू द पावर x sin dx, ये भी एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं जितने एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट्स वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, और मैं टेस्ट में भी होमवर्क के एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जरूर ऐसा तो नहीं है कि मैं जो एग्जाम्पल होमवर्क दे रहा हूं वो एग्जाम में नहीं आएंगे, वो एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है फिर देना, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी सिंपल है, इसमें क्या करना है, इस तरह के एग्जाम्पल ऑलरेडी हो चुकी है, सेक इनवर्स इधर शिफ्ट कर लो, सेकियम सेकियम इज द कांस्टेंट टर्म तो उसको के से डिनोट कर लो, फिर ये इधर शिफ्ट कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और उसका ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट ये तीन एग्जाम्पल जो है मैंने आपको होमवर्क दिए है, फोर्थ वाला एग्जाम्पल जो है प्लस टैन एक्स सही है। ठीक है, तो ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क दिए, आपको सॉल्व करना है। सेवन वाला एग्जाम्पल इफ टू वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस रूट ऑफ
x माइनस वन देन वी शो दैट फोर x square minus 1 y2 y2 means क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था y2 यानी होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, y1 means फर्स्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव और y means जो हमको दिया है स्टूडेंट उस एग्जांपल में वो होता है, ठीक है। तो इसमें देखो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, पहले मैं इसको इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं जो दिया है गिवन करके, क्या दिया है गिवन मुझे, गिवन 2y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस वन प्लस रूट ऑफ x माइनस वन, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा स्टूडेंट टू इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट ऑफ x प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन, कॉम्प्लेक्स कंपोजिट फंक्शन है ये, और ये भी वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन, क्या मिलेगा टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन वन ही आएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन टू रूट ऑफ x माइनस वन, इसका डेरिवेटिव जीरो और x का डेरिवेटिव वन, तो स्टूडेंट क्या मिलेगा टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो टू रूट ऑफ x माइनस वन प्लस टू रूट ऑफ x प्लस वन, यहां से मैं टू कॉमन ले सकता हूं स्टूडेंट्स जरूर ले सकता हूं, अपॉन टू टू जा फोर रूट ऑफ x प्लस वन इंटू रूट ऑफ x माइनस वन, टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 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 कैंसल तो डिनोमिनेटर में टू बचेगा और रूट ऑफ यहां पे क्या बचेगा रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और ये स्टूडेंट देखो ये रूट में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैन आई राइट इन दिस वे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकता हूं ऐसे, ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें टू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू मैं जो मुझे प्रूफ करना है उसके तरफ देख के मैं स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन की टर्म है, ये टर्म रूट में नहीं है, हमारी जो टर्म है रूट में आई है, क्या करना है स्क्वेयरिंग करना है, ठीक है। उसके पहले रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन किसकी वैल्यू है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन किसकी वैल्यू है टू वाई की वैल्यू है, तो मैं इसको इक्वेशन वन दे रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं टू वाई और यहां पे लिख रहा हूं ये वैल्यू मैंने बाय इक्वेशन वन से लिखी है टू वाई अपॉन टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू टू अगेन कैंसल और ये इधर शिफ्ट करना है आपको, क्या मिलेगा टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई, टू टू तो कैंसल हो गया ना, हो गया ये। अभी क्या करना है स्टूडेंट स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट टू का स्क्वायर फोर इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहां पर आएगा डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई का स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव फाइंड करना अभी आपको, ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड क्या करना है प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई होगा, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं और इसको सेकंड फंक्शन यूज कर रहा हूं तो क्या आएगा, यहां पे पहले लिख लो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह आएगा स्टूडेंट फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या है फर्स्ट फंक्शन यहां पे नीचे लिख रहा हूं इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, हो गया स्टूडेंट्स। अभी यहां पे देखो ये एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दिया है आप लिख लोगे इस साइड का जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैं बाद में लिख लूंगा, ठीक है,
यहाँ पर एग्जाम्पल रख रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैं मिटा रहा हूं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है। देखो स्टूडेंट्स क्या करना, अभी 4x² - 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बाय यूजिंग एक्स एन फॉर्मूला 2dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy/dx हो गया ये, प्लस dy/dx यहां पे स्टूडेंट देखो यहां पे स्क्वेयर चाहिए बाय मिस्टेकली रह गया ठीक है, तो ये हो गया dy/dx होल स्क्वेयर इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट 4x² - 1 का डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2y dy/dx। तो देखो स्टूडेंट यहां पे नेक्स्ट स्टेप में 4x² - 1 2dy/dx इसका डेरिवेटिव d²y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर 4 × 2 = 8x। मैं इसको इसी फॉर्म में चलो रहने देता हूं, इसी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं 4 2x = 2y dy/dx। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे 4x² - y यहां पे है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये टर्म एक्स्ट्रा है, प्लस 4x भी है यहां पे 2 times dy/dx होल स्क्वायर है, और यहां पे भी मुझे 2dy/dx नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्टोन यहां पे डिवाइड कर लूंगा, यहां पे लिखो डिवाइड 2dy/dx ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से 2dy/dx हटा देता हूं तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे 4x² - 1 d²y/dx² प्लस यहां से देखो 2dy/dx चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 4dy/dx होल स्क्वायर मिलेगा मुझे, इजंट इट इक्वल टू यहां से 2dy/dx हट जाता है तो यहां पे मुझे y मिलेगा, मैं और x हटा रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, अभी देखो 4x² - 1 d²y/dx² d²y/dx² स्टूडेंट इसको मैं y2 लिख सकता हूं, y2 क्या है y2 इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट y2 4dy/dx है y1 है, तो यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि 2dy/dx में डिवाइड किया है ना, यहां पे आएगा 4y1 y1 मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो y है मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं तो y = 0। तो यही तो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, देखो यहां पे 4x² - 1 y2 + 4x y1 यही प्रूव करना था, तो यहां पे नीचे लिख दो ठीक है, ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट 7 वाला एग्जाम्पल, इफ y = log x + √x² + a² रेस्ट टू पावर m शो दैट x² + a² d²y / dx² + x dy/dx = 0। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में आ सकते हैं ठीक है, तो शो दैट के क्वेश्चन में जो गिवन दिया रहता है इफ करके दिया रहता है वो गिवन रहता है y = log x + √x² + a² raised to power m। अभी क्या करना है स्टूडेंट आपको y = m पहले आ जाएगा, m log of x + √x² + a² उसके बाद स्टूडेंट देखो आप डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा, ये आएगा dy/
dx इक्वल टू m और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस कंपोजिट फंक्शन है x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो ये एज इट इज dy बाय dx इक्वल टू m अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देखो अभी शोन यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्टेप लिख ही रहा हूं मैं इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू m अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका डेरिवेटिव कितना आता है शून्य x का डेरिवेटिव 2x और a स्क्वायर कांस्टेंट नंबर है तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 2x प्लस 0 लिख सकता हूं ना तो नेक्स्ट dy बाय dx इक्वल टू m अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अभी यहां पे देखो स्टूडेंट्स 2 2 कैंसिल हो रहा है ये तो मल्टीप्लिकेशन में है ना 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको मिलेगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अभी आप देखोगे यहां पे जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का है तो क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है ना 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है 3 प्लस 2 भी 5 होता है तो ये टर्म और ये टर्म सेम है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए ठीक है तो क्या बचेगा मेरे पास dy बाय देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू m ये तो कैंसिल ही हो गया यहां पे आएगा रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इस टाइप के एग्जांपल आपने बहुत सॉल्व किए हैं इसका स्क्वायर अगर हटा देता हो तो ये टर्म मुझे प्रूव दैट में मिलेगी मिल गई ना क्या करना है आपको ये इधर लेके जाना है तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू m अभी क्या करना है स्टूडेंट स्क्वेयरिंग करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट इसका स्क्वायर हट जाएगा रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहां पे आएगा dy बाय dx होल स्क्वायर और यहां पे आएगा m स्क्वायर अभी क्या करना है स्टूडेंट्स अभी करना है मुझे डिफरेंशिएट तो यहां पे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका डेरिवेटिव यहां पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज dy बाय dx होल स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन dy बाय dx होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या ना यहां पे डेरिवेटिव ऑफ m स्क्वायर क्या मिलेगा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ दिस ये अभी पता है आपको 2dy बाय dx बाय यूजिंग xm फार्मूला इनटू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस यहां पे मिलेगा dy बाय dx होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0 इक्वल टू m स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका भी डेरिवेटिव 0 नेक्स्ट स्टेप देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 अभी क्या करना है स्टूडेंट मैं यहां से डिवाइड कर रहा हूं ये टर्म डिवाइड 2 dy बाय dx ऑन बोथ साइड्स 0 अपॉन कोई भी टर्म रहो उसका आंसर 0 आता है स्टूडेंट्स तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहां से 2 dy बाय dx चला जाएगा यहां पे आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहां से 2 dy बाय dx चला जाएगा यहां पे क्या आएगा x dy बाय dx ठीक है अभी क्या है स्टूडेंट प्रूफ में x x dy बाय dx चाहिए ठीक है ना तो
ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई आ गया और इक्वल टू जीरो। यही तो प्रूफ करना है हमको स्टूडेंट्स। ये आ गया प्रूफ, यहाँ पे लिख दो नीचे हेंस प्रूफ। तो ये भी स्टूडेंट्स एग्जांपल डिफिकल्ट नहीं था, हर एग्जांपल में कुछ ना कुछ आपको हिंट यूज करनी है। तो मैं आपको स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब मैं पढ़ाई करता था तब पेंसिल से लिखता था, डेरिवेटिव और इंडिकेशन की जितनी भी एक्सरसाइज है सभी इसमें जो जो हिंट सॉल्व करने के लिए बताइए वो सभी आप पेंसिल से लिख लो कि इसमें यह सब्शन करना है उसमें, पेंसिल से लिखो पेन से नहीं, ठीक है। और एक बार आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी ना तो पेंसिल वो जो पेंसिल से लिखा है वो इरेजर से हटा दो और खुद बिना लिख के फिर उसकी प्रैक्टिस करो, तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में अगर आते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट उसके बाद नाइन्थ वाला एग्जाम्पल, गिवन दैट इफ वाई इक्वल टू साइन एम कॉस इनवर्स एक्स देन शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसके पहले भी हमने ये एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, तो मैं इस एग्जाम्पल को आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है और भेजना है, कुछ डिफिकल्टी अगर आती है फिर आप मुझसे पूछ लो। ये एग्जाम्पल भी सिमिलर है लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट, डी वाई बाय डी एक्स यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम के पर्पज के हिसाब से फोर मार्क के लिए या थ्री मार्क के लिए आ सकता है, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। मैं गिवन लिख रहा हूं, क्या दिया है गिवन, वाई इक्वल टू लॉग लॉग टू एक्स, ठीक है, ये दिया है। देखो यहां पे डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे मुझे क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो y2 मीन्स क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, y1 होता है स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमेशा के लिए याद रखो। तो ये आएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन लॉग टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन लॉग टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू एक्स कितना आता है स्टूडेंट, यह आता है वन अपॉन टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, अगेन डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज वन अपॉन लॉग टू एक्स इंटू वन अपॉन टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स टू, टू टू कैंसल हो जाएगा, ठीक है, टू टू कैंसल, क्या मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग टू एक्स, हो गया। अभी क्या करना है स्टूडेंट, इसके लॉग जो टू एक्स है ना मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो आप प्रूफ दैट में अगर देखोगे तो एक्स मल्टीप्लीकेशन में, अगर कोई भी प्रूफ दैट में एक्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐसा समझ लो कि वो डिवाइड बाय डी एक्स में डिवाइड में आना चाहिए, तभी वो आगे जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो मैं एक्स को यही पे रख रहा हूं, लॉग टू एक्स को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे log 2x, इधर शिफ्ट मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा log 2x dy by dx इक्वल टू 1 by x, ये मिलेगा स्टूडेंट। और इसको मैं ये हमें आगे यूज होने वाला है, तो इसको मैं इक्वेशन वन दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना, आपको डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आपको, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग टू एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स, ठीक है। तो log 2x as it is, इसका डेरिवेटिव d square y by dx square प्लस
डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ लॉग टू एक्स कितना है ये पे सॉल्व किया था, कंपोजिट फंक्शन है तो यहां पर आएगा वन अपॉन टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट देखो लॉग टू एक्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहां तक तो एज इट इज आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स टू टू अगेन कैंसल। डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स कितना होता है टू ही होता है ना, तो ये टू यहां मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स टू 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 कैंसल तो यहां पे आएगा वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या माइनस वन बाय एक्स और वन बाय एक्स। ये मुझे स्टूडेंट इस फॉर्म में क्यों लिखना है क्योंकि देखो यहां पे y1 dy by dx की टर्म दो बार आई है ठीक है, तो 1 by x की वैल्यू जो है ये यहां पे है 1 by x की वैल्यू क्या है log 2x dy by dx। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है 1 by x की ये मुझे यहां पे पुट करना है, यहां पे भी 1 by x है ना, यहां पे भी पुट करनी है तो मैं लिख सकता हूं log 2x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स और वन बाय एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट ये है लॉग टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स एज इट इज और इसकी वैल्यू लिख दो वन बाय एक्स की लॉग टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स हो गया। ये अभी देखो स्टूडेंट यहां पे भी लॉग टू एक्स है, प्रूव दैट में गई लॉग टू एक्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। यहां पे भी लॉग टू एक्स है, यहां पे भी लॉग टू एक्स है, यहां पे भी लॉग टू एक्स है, क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, क्या करना पड़ेगा लॉग टू एक्स से हमको डिवाइड करना है बोथ न्यूमरेटर एंड सॉरी बोथ साइड्स। तो यहां पे लिखो डिवाइड लॉग टू एक्स ऑन बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा मुझे, ये लॉग टू एक्स चला जाएगा यहां पे आएगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस log 2x चला जाएगा dy by dx into dy by dx कितना आएगा यस dy by dx होल स्क्वायर इक्वल टू अभी चलो नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं इक्वल टू माइनस 1 by x ये log 2x चला जाएगा यहां पे आएगा dy by dx। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स देखो मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकता हूं, इधर ही शिफ्ट कर रहा हूं, मैं इसको प्लस साइन दे रहा हूं और इसको इक्वल टू जीरो लिख रहा हूं, लिख सकता हूं ऐसे क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म लाता हूं तो डेफिनेटली उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे वन बाय एक्स की टर्म है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यहां पे लिखो मल्टीप्लाई एक्स ऑन बोथ साइड, तो मैं यहां पे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वेयर प्लस यहां पे x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा मुझे डी वाई बाय डी एक्स और x इंटू जीरो जीरो। देखो स्टूडेंट अभी आया क्या, मैं थोड़ा क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं, यही कर लेता जो एग्जाम्पल मुझे बोला है ना ठीक है, ये प्रूफ करना है। अभी देखो स्टूडेंट एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी क्या होता है वाई टू होता है प्लस यहां से स्टूडेंट चलो एक स्टेप मैं वही लिख रहा हूं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले रहा हूं, यहां पे साइन प्लस का ही है ना तो यहां पे बचेगा वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स चला जाएगा तो यहां पे आएगा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो अभी देखो स्टूडेंट्स एक्स ठीक है एक्स ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसके मैं वाई टू लिख रहा हूं प्लस ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए वाई वन प्लस वन प्लस एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए इसको y1 लिख रहा हूं विच इज इक्वल टू जीरो, ये और ये सेम ही था ना, यही मुझे प्रूव करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा
हेंस प्रूफ। ठीक है तो स्टूडेंट ये जो एग्जाम्पल था ये बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के हिसाब से। ठीक है तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और जो इसके पहले होमवर्क दिया था वो भी आपको सॉल्व करना है। लिख लो इसको। उसके बाद स्टूडेंट हम 11 वाला एग्जाम्पल देख लेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ये 4 मार्क के लिए स्टूडेंट्स आ सकता है। अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करके रख लो। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है आप अच्छे से समझ लो। ठीक है फर्स्ट गिवन क्या दिया है स्टूडेंट्स, रू दैट में जो ईफ रहता है वो गिवन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10। इसको मैं स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात, इसको इक्वेशन में 1 दे रहा हूं। जहां जहां पे मुझे जरूरत पड़ती इस एग्जांपल में वहां वहां पे मैं उसको इक्वेशन दे दूंगा। ठीक है पैसे तो लगते नहीं इक्वेशन देने के लिए लेकिन वो समझने के लिए काम आ सकता है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये टर्म है यूज हो रही है तो आप इसको इक्वेशन देते जाओ। ये हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएट डेरिवेटिव निकालो इसका, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट 2x प्लस 6। एक इसमें डेरिवेटिव लगा देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कौन सा नंबर 10। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना आएगा 2x प्लस 6, डेरिवेटिव ऑफ x y यहां पे कौन सा रूल अप्लाई, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रूल अप्लाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज ऑलवेज क्वेश्चन नंबर इज ऑलवेज जीरो। तो 2x प्लस 6 एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। अभी डीवाई बाय डीएक्स की टर्म ये है स्टूडेंट्स तो मैं डीवाई बाय डीएक्स कॉमन ले रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे यहां पे 6x प्लस 2y इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड लेके जाओ ये आएगा माइनस 2x माइनस 6y। तो dy बाय dx इक्वल टू 6x प्लस 2y इक्वल टू माइनस, ऐसे लिख सकता हूं मैं माइनस 2x प्लस 6y माइनस कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx इक्वल टू माइनस, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं यहां पे x प्लस 3y अपॉन, यहां से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स यहां से 3 कॉमन आ रहा है कि 2 आ रहा है 2 आ रहा है तो मैं यहां पे लिखूंगा 3x प्लस y 2 2 कैंसल। तो मुझे dy बाय dx की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, dy बाय dx की वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस x प्लस 3y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मिल रहा है 3x प्लस y। तो स्टूडेंट इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं क्योंकि ये भी यूज होने वाला है, दे दिया। अभी क्या करना है मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैं यहां पे लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है स्टूडेंट यस यहां पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है क्योंकि जो फंक्शन दिए वो यू बाय वी के फॉर्म में। ठीक है तो क्या आएगा माइनस आई में वैसे अलग सेपरेट लिख रहा हूं, ये थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है नीचे लिख रहा हूं माइनस आई क्या है क्वेश्चन रूल डिनोमिनेटर 3x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x प्लस 3y माइनस न्यूमरेटर दैट इज x प्लस 3y इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 3x प्लस y अपॉन व्हाट डिनोमिनेटर स्क्वायर 3 प्लस y होल स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मुझे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 3x प्लस y होल क्यूब। ठीक है
तो देखो अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं माइनस साइन यहीं पे रहने दे रहा हूं एक स्टेप के लिए, नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन ब्रैकेट में डाल दूंगा। इसका डेरिवेटिव कितना आता है, ये आता है 1+3 डी वाई बाय डी एक्स आता है, माइनस एक्स प्लस थ्री वाई, और इसका डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव आता है 3+dy/dx, ये आता है। अभी ब्रैकेट लगा दो, अपॉन 3x+y होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप d²y/dx² लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन अभी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, और जो डिनोमिनेटर है उसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं, लिख सकता हूं ऐसे 1/3x+y होल स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन है यहाँ पे ब्रैकेट में डाल रहा हूं, तो -3x+y 1+3। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट, dy/dx की वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट dy/dx की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू है -x+3y/3x+y, तो ये जो साइन है ये माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहां पे मैं लिखूंगा 3 × x+dy/dx की वैल्यू x+3y/3x+y -x+3y, और यहां पे 3। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस साइन यहां पे लगाया था, वैसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x+3y 3, और dy/dx की वैल्यू माइनस नहीं है, तो मैं यहां पे लिखूंगा -x+3y/3x+y। अगर स्टूडेंट आप इसको अच्छे से समझते हो तो बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी इसमें, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये जो पोर्शन है इस साइड का ये पूरा मीटर है, प्रूफ करना है मुझे d²y/dx² = 80/3x+y³। तो साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ये गिवन इसको इक्वेशन मैंने 1 दिया था, ये भी आपको याद रखना है, हो गया। उसके बाद देखो स्टूडेंट d²y/dx² = ये एज इट इज रख लो ना, 1/3x+y²। देखो यहां पे भी ये और ये कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहां पे क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, नहीं मैंने ये एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस ऐसे कैंसिल नहीं होगा, -3x+y, इसको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3x+y -3x, और ये प्लस माइनस -3×9 9y/3x+y। नेक्स्ट स्टेप में मैं कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है, प्लस यहां पे स्पेस नहीं है थोड़ी, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहीं पे, आप समझ लो, +x+3y। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स कितना आएगा, 3×9 9x+3y -x+-3y अपॉन क्या आएगा 3x+y, हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। अभी देखो स्टूडेंट्स d²y/dx² = 1/3x+y² ये कैंसिल हो गया ना, 3x और -3x में कैंसिल हो रहा है, y -9y कितना होता है -8y, और -8y और ये माइनस साइन +8y आ गया यहां पे, प्लस ये और ये टर्म सेम नहीं है, कैंसिल नहीं होंगी, 3y+3y -3y कैंसल, 9x-8 कितना होता है स्टूडेंट, पहले ये एजरी तो लिख दो, x+3y, और ये 9x-8x / 3x+y।
हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये तो एज इट इज ही आएगा, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसके अपॉन में भी 1 रहता है और इसके अपॉन में ये है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 8 24xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8 3 24xy अपॉन क्या मिलेगा, 3x प्लस y। तो देखो स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर है और ये इसका पावर 1 है, तो मैं कंबाइन ये ऐसा लिख सकता हूं ना, 3x प्लस वाई रेस टू पावर 3 लिख सकता हूं, जरूर लिख सकता हूं। यहां पे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि जो मुझे पहले स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही था। ठीक है, तो 8x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 24xy विच इज 48xy प्लस 8y स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से मैं कॉमन निकाल सकता हूं स्टूडेंट, 8 कॉमन निकाल सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 6 6xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब। मैं यहां पे बताना चाहता हूं स्टूडेंट, जहां पे मैंने डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू पुट की, यहां पे पुट की ना इक्वेशन यूज करके, तो यहां आप समझने के लिए लिख लो बाय इक्वेशन 2। ठीक है, अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं इस साइड का थोड़ा पोर्शन मिटा रहा हूं, ठीक है, अभी देखो यहां पे स्टूडेंट ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, ये गिवन जो दिया था हमको, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिखा था, ये उसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 × 10 अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब, यहां पे लिख सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 × 80 अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब, और यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80 अपॉन 3x प्लस वाई होल क्यूब। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 3 या 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हो, इसको लिख लो इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट 12 वाला एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, वो हमको नहीं पढ़ना है, 25% ड्यू सिलेबस का आता है तो वो एग्जाम में वैसे ही नहीं आने वाला है। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करके दिए या जो होमवर्क दिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी अगर क्वेश्चन होंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इफ एक्स इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, वाई इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, वी हैव टू शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं एग्जांपल, एक्स इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी और वाई इक्वल टू जी ऑफ टी के फॉर्म में कोई भी अगर इक्वेशन है तो वो पैरामेट्रिक फंक्शन रहता है स्टूडेंट। ठीक है, उसमें एक्स स्क्वायर वाई पैरामेट्रिक फंक्शन रहता है और जो दिया रहता है टी वो क्या है, पैरामीटर रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं गिवन करके, क्योंकि इफ करके दिया है ना शो दैट में, तो इफ एक्स इक्वल टू ए साइन टी माइनस बी कॉस टी, और यहां पे लिख रहा हूं वाई इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। देखो सुन, अभी यहां पे डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या है यहां पे डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ए कॉस टी माइनस बी इसका डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो कितना आएगा ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस बी साइन टी। तो मैं स्टूडेंट यहां पे स्टेप स्किप कर रहा हूं डी बाय डी एक्स लगाने की, अभी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हर बार आप डी बाय डी एक्स लगा दो। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर लो आपको सब समझ में आ जाएगा। dx by
डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू है, ये हो गया मेरा, इसको मैं इक्वेशन वन दे रहा हूं। अभी देखो इसको, यहां पे भी डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ साइन टी विच इज कॉस टी, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, यहां पे स्टूडेंट्स मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, यहां पे क्या बचेगा ए साइन टी प्लस की जगह माइनस बी कॉस टी, यही मिलेगा, तो इसको भी मैं बॉक्स करके इक्वेशन दे रहा हूं टू, ये हो गया। अभी देखो नाउ डिफ्रेंशिएट वाई, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स निकाला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा यहां पे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, तो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू सॉरी यहां पे टी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर मैं एक्स लिखता हूं तो एक्स गलत होगा, डी वाई बाय डी टी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस ए साइन टी माइनस बी कॉस टी अपॉन ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स डी वाई बाय देयर फॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये देखो स्टूडेंट ए साइन टी माइनस बी कॉस टी और ए कॉस टी प्लस बी साइन टी किसकी वैल्यू है एक्स और वाई की वैल्यू है, तो ये गिवन ही है ना, मैं जरूरी नहीं कि इसको इक्वेशन दे देता हूं अभी, इसको मैंने ऑलरेडी इक्वेशन यहां पे दिए, मैंने इसको मैं गिवन करके लिख देता हूं, माइनस ए किसकी वैल्यू है एक्स की वैल्यू है और ए किसकी वैल्यू है वाई की वैल्यू है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन में दिया था हमको, इससे हमने यहां पे लिख लिया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन अभी थ्री दे रहा हूं समझ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। उसके बाद उसका और एक बार डिफरेंशियल डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां पे लिखो अगेन डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी बाय डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज रहने दो, और ये जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट फंक्शन का क्वेश्चन के फॉर्म में, दो फंक्शन क्वेश्चन के फॉर्म में यू बाई डी के फॉर्म में, तो क्वेश्चन रूल इसमें अप्लाई कर लो, क्वेश्चन रूल क्या है डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वेयर, तो डी वाई बाय डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इसका डेरिवेटिव वन ही आता है माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाय डी एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर, तो स्टूडेंट यहां से आपको देखना है कि प्रूव दैट में डीवाई बाय डी एक्स का ही दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स बाय वाई माइनस साइन एज इट इज वाई इंटू वन वाई माइनस एक्स, क्या है डीवाई बाय डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाय वाई है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस एक्स बाय वाई अपॉन वाई स्क्वेयर, यहां पे लिख दो बाय इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन थ्री, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ये वाई मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट, तो क्या आएगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वेयर माइनस 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 प्लस प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई और अपॉन क्या है इसके इसमें वाई स्क्वेयर है, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस साइन, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं पहले एक्स लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और जो अपॉन में वाई है इस वाई स्क्वेयर के अपॉन में भी वन है, तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं तो ये आएगा वन अपॉन वाई स्क्वेयर और यहां पे भी वाई है, तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई कितना होता है ये आता है वाई क्यूब आता है, यही तो मुझे प्रूफ करना था डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब,
तो ये था स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का प्रूफ। ये एग्जाम्पल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह स्टूडेंट हमारी ये जो एक्सरसाइज थी हायर डेरिवेटिव की, जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो पढ़ा था, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अभी इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था डेरिवेटिव का, जिसका वेटेज 9 मार्क का था, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, जो मिसेज की एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है और ग्रुप में भेजना है। और इसकी जो टेस्ट रहेंगी इस संडे डिफरेंशिएशन की, आपको टेस्ट देनी है। अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर में कहीं भी आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी, कुछ भी क्वेरीज होंगी, तो आप मुझे फोन करके या ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, अभी इस लेक्चर में यही पे स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद का चैप्टर देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रख लो।